भारत में कई कहानियां प्रचलित हैं। ये कहानियां अद्भुत रहस्यों से भरी पड़ी हैं, जिनमें से कुछ पर यकीन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन कई कहानियां ऐसी हैं जो अपनी सच्चाई बयां करती हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही महाभारत कालीन रहस्यमय व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो पिछले 5000 सालों से जीवित है और समय समय पर वे अपने होने का संकेत हमें देता है। हमारे हिंदू ग्रंथों में 7 ऐसे महामानवों का जिक्र आता है जो आज भी अजर अमर हैं और आज भी धरती पर उपस्थित हैं। अश्वत्थामा उन्हीं में से एक हैं। जी हाँ, अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक किला स्थित है जिसे असीरगढ़ का किला कहा जाता है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस किले में आज भी अश्वत्थामा आते हैं। असीरगढ़ के किले में एक ऐसा शिव मंदिर मौजूद है जहां अश्वत्थामा आज भी प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने आते हैं। कहते हैं वे उतावली नदी में स्नान करने के बाद यहां पूजा करते हैं और यहां पर आश्चर्य की बात तो यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने किले में एक तालाब स्थित है जो तपती गर्मी में भी कभी नहीं सूखता। कहते हैं असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गोरी घाट के किनारे पर भी अश्वत्थामा को भटकते हुए देखा गया है। वहाँ के कुछ स्थानीय निवासी ऐसे भी हैं जिन्होंने अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखने का दावा किया है। वे बताते हैं कि अश्वत्थामा के माथे से लगातार खून बहता है, जिसे रोकने के लिए वे लोगों से हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। उस गांव के कई बुजुर्गों का मानना है कि जो व्यक्ति एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। हमारे वेदों के अनुसार अश्वत्थामा को उन अष्ट चिरंजीवियों में से माना जाता है जो आज भी अमर हैं और इस धरती पर मौजूद हैं। समय समय पर अपनी मौजूदगी का एहसास हमें कराते हैं, लेकिन अगर ये सिर्फ मिथक है तो वो कौन है जो हर सुबह मंदिर का ताला खुलने के पहले ही शिवलिंग की पूजा कर चला जाता है। हर दिन इस शिवलिंग पर ताजा फूल और जल चढ़ा मिलता है। सूरज ढलने के बाद असीरगढ़ के इस किले में किसी को रुकने नहीं दिया जाता। सब जगह ताले लगा दिए जाते हैं, पूरे किले को बंद कर दिया जाता है, तो फिर वहां कैसे कोई आ सकता है? ये भी संभव है कि जब किसी के पास दिव्य शक्तियां हों। जिन लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है उनका कहना है कि अश्वत्थामा किसी आम इंसान की तुलना में काफी बड़े हैं। उनका कद काफी ऊंचा है और शरीर पर गहरे जख्म हैं। वे कोढ़ रोग से ग्रसित हैं। उनके माथे से लगातार खून बहता है। ऐसा कहा जाता है कि घाव महाभारत के समय के हैं। वे आज भी जंगलों में भटक कर श्री कृष्ण द्वारा दिए गए शाप को भुगत रहे हैं। अश्वत्थामा के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो आज भी जिंदा हैं, भटक रहे हैं? जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तब उनके गले से घोड़े की तरह हिनहिनाने जैसी आवाज निकली, जिसके कारण इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक अमूल मणीय विद्यमान था जो उन्हें दैत्य और देवताओं से निर्भीक रखता था। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की भांति कौरवों के साथ दिया। अश्वत्थामा एक वीर योद्धा था जिसने महाभारत के युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया, जिससे पांडव हारने लगे। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानता था लेकिन लौटाना नहीं, इसलिए इसे रोकने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। अबोध बालकों और स्त्रियों की हत्या को अधर्म बताते हुए श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर अश्वत्थामा के माथे पर लगा मणि निकाल लिया और कलयुग के अंत तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया। मणि निकल जाने से अश्वत्थामा की सारी शक्तियां चली गईं। कहते हैं तब से लेकर अब तक अश्वत्थामा के माथे से लगातार खून बह रहा है। उसके शरीर पर महाभारत युद्ध के घाव हैं जो अभी तक नहीं भरे हैं। न जाने अश्वत्थामा ने कितने ही कष्ट सहे हैं और कितने ही कष्ट सहने अभी भी बाकी हैं।